रेप केस में नैनी जेल में बंद घोसी से बसपा सांसद अतुल राय को अपनी ही पार्टी के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी से जान का खतरा है। दरअसल इस बात का खुलासा पुलिस की एक खुफिया रिपोर्ट सामने आने के बाद हुआ। रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है कि बाहुबली विधायक अंसारी घोसी के लोकसभा सांसद अतुल राय के ऊपर हमला करवा सकते हैं। वहीं इस खुफिया रिपोर्ट आने के बाद सांसद प्रतिनिधि गोपाल राय ने पुलिस से सांसद अतुल राय की सुरक्षा की मांग की है। सांसद प्रतिनिधि ने कहा कि लोकसभा चुनाव से ही दोनों के बीच में चुनाव को लेकर अदावत हो गई थी और अब तो पुलिस की खुफिया रिपोर्ट भी आ गई है कि घोसी के सांसद अतुल राय को मुख्तार अंसारी से ही जान का खतरा है। हम लोग तो शुरू से कह रहे थे कि अतुल राय जी की जान को खतरा है, अब तो खुफिया रिपोर्ट आ गई है जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उनको मुख्तार अंसारी से जान का खतरा है। तो मैं माननीय योगी जी से मांग करता हूँ कि इस खुफिया रिपोर्ट के आधार पे घोसी के लोकप्रिय सांसद जो कि फर्जी मुकदमे में फंसाए गए हैं लोकसभा चुनाव के समय, एन के एन प्रकरण फर्जी मुकदमा तैयार किया गया और उनको फंसाने का काम किया गया जिसमें वो जेल में है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा कि जब ये स्पष्ट हो गया है कि उनकी जान को खतरा है खुफिया रिपोर्ट के आधार पे, तो उनके जान माल की सुरक्षा की जाए। आपको बता दें कि बसपा सांसद अतुल राय ने इसी साल मार्च में सीएम योगी और एमपी एमएलए कोर्ट को पत्र लिखकर बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी से अपनी जान को खतरा बताया था। सांसद ने मुख्तार अंसारी पर उनके खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया था। सांसद अतुल राय ने पत्र में सीएम और कोर्ट से अपील करते हुए कहा था कि मुख्तार अंसारी को नैनी जेल में शिफ्ट ना किया जाए क्योंकि वो उनके लिए खतरा बन सकते हैं। इसी के बाद मऊ के विधायक मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से यूपी की बांदा जेल में लाया गया था। दरअसल सांसद अतुल राय की गुहार पर प्रयागराज के एसपी इंटेलिजेंस ने इस मामले में एक खुफिया जाँच की थी जिसमें उन्होंने अतुल राय की जान को खतरा होने की बात की पुष्टि की थी। पंजाब केसरी टीवी के लिए मऊ से जाहिद इमाम की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।